हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज जीएस पेपर 1 प्लस हिस्ट्री, जो जिसने वैकल्पिक विषय के रूप में हिस्ट्री को लिया है, उसके लिए हम लोग भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 हम पहले ही करा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, आप उसमें से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ UPSC मेंस 2018 की तैयारी कर रहे हैं और ये जो चीज़ें मैं करा रही हूँ आपको, ये UPSC में भी काम आएंगी। तो ये UPSC और UPPSC मेंस जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों साथ साथ लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि कल एक आयोग ने थोड़ा सा इंटरव्यू में कहा था, एक न्यूज़ जारी की थी कि हम लोग जो भी पेपर बनाएंगे UPPSC मेंस 2018 के लिए, मेंस का जो पेपर आएगा वो UPSC के पैटर्न पे होगा। तो हम लोगों को अब UPSC के पैटर्न को ध्यान में रखकर ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग में, उसी के हिसाब से ही आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ, जैसा UPSC वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देते हैं। तो पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पेपर्स को भी देखेंगे। और रही PDF की बात, तो ये जो पार्ट पूरा हो जाएगा भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण, जब इसका पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, जैसे कि जो भी 3 या 4 जितने भी पार्ट होंगे इसके, तो उसके बाद में इसकी होल PDF एक साथ आपको दे दूंगी, ताकि आपको अलग अलग चीज़ें डाउनलोड ना करनी पड़े। तो PDF के लिए आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को PDF देनी ही है। तो आपको PDF ये पार्ट पूरा होते ही भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन स्रोत, तो उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो हम आगे करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था, थोड़ा सा एक बार एक नज़र मार लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे इतिहास लेखन की विशेषताएं, ये हम कर चुके थे, ये वाला इसमें टॉपिक। नेक्स्ट, इतिहास के कालों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, और साहित्यिक स्रोत ये चौथा है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे करेंगे। ये काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, तो इसको भी हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इतिहास लेखन की 5 विशेषताएं मैंने बताई थी आप लोगों को, और इसको डिस्क्राइब भी किया था, इसको आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने 3 काल बताए थे इतिहास के, और इसको हम लोग आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ काल के रूप में इतना ही आपको बताया है। स्रोतों का हमने वर्गीकरण किया था, जो कि इसका मेन टॉपिक है, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। तो पुरातात्विक स्रोत थे और साहित्यिक स्रोत थे, 2 स्रोत थे। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत, ये वाला जो है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो इसमें उपकरण, मृदभांड, कलाकृति, भवन और मुद्रा अभिलेख, ये जो 6 स्रोत हैं, ये पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत वो जो हमें कहीं मिट्टी को खोदने से प्राप्त हुए हैं, या फिर भवन हैं, जो मुद्राएं हैं, जिन पे हमें ये चीज़ें पता लगती हैं कि कौन से काल की थी या कौन से क्षेत्र की थी, उस पर ऐसी कुछ निशानियाँ बनी हुई हैं जिससे हमें ये चीज़ पता लगती है, तो इनको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि पहले उपकरण पत्थर के होते थे, बाद में जब समय चेंज होता गया तो धातु के उपकरण का प्रयोग होने लगा। इसी उपकरण को हम सभ्यता के विकास से जोड़ते हैं, जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे उपकरण में चेंजेस आते गए। तो 3000 ईसा पूर्व तक आते आते तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का भी निर्माण होने लगा, और यही हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता का पहचान बनकर उभरी, क्योंकि कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के ही अंदर यूज हुआ था। क्योंकि एक मतलब जब भी प्रौद्योगिकी क्रांति होती है, उसी के हिसाब से उपकरण का भी चेंजेस आते हैं। पहले पत्थर का हुआ, फिर तांबे और ये टीन का यूज हुआ, फिर उन दोनों को मिक्स करके कांसे का यूज होने लगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ ही, जैसे जैसे पतन हुआ वैसे ही कांसे का उपयोग भी बंद हो गया है, विलुप्त हो गया था कांसे का उपयोग, और उसका यूज जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति ने ले लिया था। हम इसमें ये कह सकते हैं कि धातुओं की जो उपलब्धता है, उनसे जुड़े प्रौद्योगिक तकनीकी विकास के आधार पर हम एक युग की विशेष भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि उपकरण के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से युग का उपकरण था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे उपकरण में भी चेंजेस आते गए। नेक्स्ट, मृदभांड।
मृद भांड के अंदर आएगा, जैसे कि घड़ा, बर्तन, कटोरा, प्याला, गिलास, इस टाइप की जो चीजें होती थी, चाहे वो मिट्टी से हो चाहे वो किसी और चीज से हो, तो वो संस्कृति के विकास के साथ साथ मृद भांड में भी चेंज आया है। सामान्यतः जैसे हम इतिहास के कालखंडों में इतिहास को विभाजित करते हैं, तो मृद भांड उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इतिहास के अध्ययन में एक प्रतिनिधि सामग्री के रूप में हम मृद भांड का यूज करते हैं। मृद भांडों का सामान्य विशेष प्रकार का होना एक समकालीन प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ समाज के स्तरीकरण का भी संकेत देता है। तो ये कालक्रम को भी बताता है कि कौन से कालक्रम में किस टाइप के मृद भांड थे। अब जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो मैं डिटेल में ये भी बताऊंगी कि कौन से काल में, जब हम सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे तब, कि कौन से काल में किस टाइप के मृद भांड, उपकरण, कलाकृति या भवन का प्रयोग किया जाता था, इससे हमें पता चल जाएगा। ये तो हमने एक पूरी एक साथ स्टडी की है कि पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होते हैं। अब इसका हम लोग अलग से डिटेल में भी अध्ययन करेंगे कि सिंधु सभ्यता या वैदिक काल में या आगे महाजनपद काल में किस टाइप के मृद भांडों का यूज होता था। कलाकृति, कलाकृति ये मूर्त और अमूर्त दोनों पक्षों को बताती है, मतलब उसके बारे में बताती है कि उस टाइम में मूर्त अमूर्त पक्ष किस टाइप के थे। कलाकृतियों में जैसे कि निर्माण सामग्री, विषय वस्तु, निर्माण की प्रेरणा स्रोत आदि को देख समझकर हम युग की विशेषता को जान सकते हैं, उसकी जीवन संस्कृति को बहुत हद तक समझ सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पाई कलाकृति को देखें तो वहाँ लोग मिट्टी के, सेलखड़ी के और पत्थर, कांसा आदि का कलाकार स्तर पर उन्नत प्रयोग करते थे, मतलब इन सब चीज़ों का हड़प्पा संस्कृति के लोग प्रयोग करते थे। आमजन जो होते थे वो मिट्टी की मूर्तियां, बल्कि और धनी जो वर्ग होते थे वो पत्थर और धातु की मूर्तियों का प्रयोग करते होते। तो इस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि हम समाज में व्याप्त आर्थिक जो विषमता थी या स्तरीकरण था, उसके बारे में हम कलाकृति के प्रयोग के आधार पर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, भवन। भवन जो है आप लोगों को पता है, जो अगर भवन जो होता है घूमंत प्रवृत्ति में स्थिरता का परिमाण होता है। जहाँ भी भवन बना दिया गया है तो वहाँ लोग स्थायी रूप से रहना शुरू कर देंगे घूमंतु प्रवृत्ति को छोड़कर। तो साथ साथ कृषि का जो अधिशेष होता है, व्यापार, वाणिज्य, इन सब की वृद्धि का भी सूचक भवन होता है। जब लोग स्थायी होकर रहने लगेंगे तो वहाँ वाणिज्य, भवन, कृषि सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा। हड़प्पा काल तक आते आते भवन निर्माण की उन्नत योजना विकसित हो चुकी थी। यदि हम सिर्फ उस समय के भवनों का अध्ययन करें तो भी सभ्यता के नागरिकों के सभ्य होने का भी संकेत मिलता है इससे। मौर्यकालीन स्तूप प्राय ईंटों से निर्मित होते थे और आप लोगों को पता है, और इनमें प्रस्तर के प्रयोग के आधार पर ही सांची और भरहूत के स्तूपों में मौर्यकालीन योगदान का भी अध्ययन किया जाता है। और अगर हम पुष्मित सुंग को बौद्ध स्रोतों में बौद्धों का दमन करता बताया गया है, किंतु यदि हम सांची और भरहूत के स्तूपों को उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन करें तो हमें ये साफ पता चल जाता है कि ये सुंग कालीन में बने हैं और मौर्यों की तुलना में बहुत अधिक कलात्मक संवर्धन का प्रमाण देते हैं, मतलब कि मौर्यों की तुलना में बहुत अधिक कला है इनके अंदर। नेक्स्ट, मुद्रा। मुद्रा के जो अध्ययन होता है उसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आरंभिक सिक्कों पर तो बहुत ही कम प्रतीक मिले हैं, थोड़े बहुत प्रतीक मिले हैं, लेकिन बाद के जो राजा थे उन लोगों ने अपने जो सिक्के थे उन पर देवताओं के नाम तथा तिथियां भी अंकित करने शुरू कर दी थी, जिससे हमें पता चल जाता था कि ये कौन से कालक्रम की मुद्राएं हैं या स्रोत हैं, और इससे काल निर्धारण में बहुत ही सहूलियत होती थी, ईजीनेस होती थी। और इनसे ये भी पता चलता था कि ये कौन से स्थानों से प्राप्त हैं, तो इससे पता लगता था कि ये इस स्थान पर इस पर्टिकुलर राजा का शासन होता है। और सिक्कों के आधार पर ही हम वाणिज्य और व्यापार की स्थिति का भी पता कर सकते थे, जैसे कि अगर जहाँ मिट्टी के सिक्के ज़्यादा होंगे तो वहाँ आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कम होगी, मतलब कि इतनी विकसित नहीं होगी। जहाँ पर चांदी और सोने के सिक्कों का प्रयोग होगा वहाँ पर आर्थिक स्थिति उस स्थान की बहुत विकसित होगी। तो इस तरह मुद्रा के यूज से हमें उस समय की संस्कृति, सभ्यता, आर्थिक स्थिति और राजा शासन सब के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, अभिलेख। अभिलेख तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि उस समय
सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी, आर्थिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था लोगों का, तो ये अभिलेखों से पता चलता है। और अभिलेख के जो अध्ययन होता है उसे पुरालेख शास्त्र और इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख जैसे ताम्रपत्रों पर, मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों तथा मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, लिखे जाते थे, और ये स्थायी महत्व के थे क्योंकि एक ही जगह पर्टिकुलर ये स्थित होते थे और इसमें समय अनुसार बदलाव नहीं किया जा सकता था। मतलब एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता था। परंतु कुछ अभिलेख हैं जैसे प्रयाग अभिलेख है, इसको अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया। ये तो होता है कि अभिलेख में जो है भाषा और लिपि के माध्यम से ही हमें बताया जाता है कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, और अगर अभिलेख ना पढ़ा गया हो तो बड़ी दिक्कत आती है उसे समझने में, फिर वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में उसका महत्व नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी जिनको पढ़ लिया गया है उस अभिलेख से ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जैसे कि पत्थर और धातु का ज्ञान जिस पर लेख उत्कीर्ण है। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि अशोक का एकाश पत्थर से निर्मित स्तंभ लेख, जहाँ उसके काल की पत्थर की कला का उसे प्रमाण मिलता है, वही चंद्रगुप्त का मेहरौली जो स्तंभ लेख है उससे लोह कला का प्रमाण मिलता है। तो इससे पता लगता है कि किस प्रकार की कला वहाँ पर विकसित थी। यदि हम पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अशोक के अभिलेखों पर दृष्टि डालें, अगर वहाँ देखें तो वहाँ स्थानीय प्रभाव साफ दिखता है और उन क्षेत्रों के शासन के केंद्रीकरण की व्यवस्था की दुर्बलता की ओर संकेत मिलता है कि वहाँ केंद्र शासन बहुत दुर्बल था। अभिलेखों में बहुत सारे अभिलेख होते हैं जैसे कि हाथीगुम्बा अभिलेख था जो कलिंग राजा खालवेल ने लिखवाया था, इसी तरह जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का, नासिक अभिलेख, गौतमीश बलश्री का, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का, ग्वालियर अभिलेख, भोज प्रतिहार का, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन का, एहोर अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का। तो इस प्रकार बहुत सारे अभिलेख हैं, इसकी मैं लिस्ट आप लोगों को दे दूंगी। अब जब PDF प्रोवाइड करूंगी तब इस पूरे अभिलेखों के दृश्य, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगी, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो जो भी मैंने इसमें वर्बली बताया है उसको आप लोग अपने कॉपी में रिटन डाउन करने की कोशिश करें। ये जो मैंने 6 पॉइंट्स दिए हैं इसको लिखने की कोशिश करें, और आगे मैं जब टॉपिक कराऊंगी तो अभिलेख कौन से काल में किस टाइप के अभिलेख प्राप्त हुए, उनमें क्या क्या प्राप्त हुआ, ये सब हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में 2 स्रोत है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो 2 स्रोत की हम बात करेंगे। अब देशी साहित्य में भी 2 टाइप के स्रोत होंगे इसमें, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में आपको ये सब समझाने लगी। तो आपको आज पुरातात्विक स्रोत के बारे में पता चला होगा और साहित्यिक स्रोत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको कमेंट करिए, हम उस चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आप कमेंट हमें करते रहिए, आपके क्वेश्चनों का जवाब आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।